रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह रविवार को रतलाम आए। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता कांग्रेस की को जिताएगी। हम 160 सीटें जीत रहे हैं, हमारे दो ही शेर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ही काफी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने स्टेट हैंगर पर मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के वायरल फोटो पर कहा, हमारे नेता दिग्विजय सिंह में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ेगी तो शिवराज सिंह को भी कांग्रेस में खींच लाएंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने शिवराज सिंह की सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा, जनता इस सरकार से त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिर्फ झूठ बोलते हैं, कांग्रेस की तो पूरी तैयारी है। कमलनाथ के शिवराज सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाले बयान पर उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठे व्यक्ति के नक्शे कदम पर नहीं चलती है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह रविवार को गायत्री परिवार के महायज्ञ में शरीक होने आए थे। टीम भारतीय न्यूज़। सरकार गिराई एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता इतनी जबरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त कि ये धारा नहीं चलेगी। कल स्टेट हैंगर पे दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी की मुलाकात की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संदेश जाएगा शिवराज सिंह जी और ये मिलते हैं तो दिग्विजय सिंह? देखिए, इससे हमको अपने नेताओं पे विश्वास है, दिग्विजय सिंह जी पे वरिष्ठ नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस। लेकिन एक संदेश क्या जाता है विपक्ष के नेता से, आपके पार्टी के नेता मिलते हैं सार्वजनिक रूप से फोटो वीडियो? देखिए, कल शरद यादव जी का अंतिम संस्कार था, उनका शव एयरपोर्ट पे आया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने सारे दल के नेता वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस घटना को इस रूप में देखना ही सर्वथा मैं गलत मानता हूँ। शरद यादव इस देश के कद्दावर नेता थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सब ने भी दी, वहाँ पे मिलना राजनीतिक मायने नहीं रखता। अभी आपने कहा था शिवराज जी को कांग्रेस जीत लाएंगे। देखिए, अभी प्रश्न ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी मिले हैं, तो प्रश्न का लब्बो लुआ भी था कि क्या सांठगांठ है। मैंने, हमारे नेता इतने पावरफुल हैं, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं, पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है? हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जाना था चले गए, जिनको दगा देना थी दगा दे गए, अब तो दो ही कद्दावर नेता दो ही चप्पू चलाएंगे और पार करेंगे नैया को। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? मैं समझता हूँ कम से कम 160 सीट। मैं जनता पे विश्वास करके इस बात को बोल रहा हूँ कि वो जनता ने देख लिया कि हमने मैंडेट कमलनाथ और कांग्रेस को दिया था 2018 के चुनाव में, बॉर्डर पे थे, इस छल कपट करके भ्रष्टाचार का जो दौलत कमाई थी शिवराज की सरकार ने उससे खरीद फरोख्त, तो उनका मन ये है आम जन का कि इतना बम्पर मेजॉरिटी दी जाए कि खरीद फरोख्त करने वालों के साहस जवाब दे जाए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।